दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने रनिंग बैलेंस का कोई आसान सा एक तरीक़ेकार हमने दिखाए हैं, जिसमें दोनों दो तरीके से मेरे पास एक्सेल टेबल्स था। तो उसमें एक तो आवारा जो सेल्स है, सेल्स बेस आईडी के थ्रू हमने एक रनिंग बैलेंस लाए हैं, और दूसरा हमने कस्टमर बेस, ये वाला सेल्स रनिंग बैलेंस, ये कस्टमर बेस हमने लाए हैं। तो ये कैसे बनता है, तो दोस्तों आगे हम देखते हैं। दोस्तों, रनिंग बैलेंस के हवाले से इससे पहले दो वीडियो बना चुका हूँ। उसमें जो तरीक़ेकार है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आज बहुत ही सिंपल तरीके से हम रनिंग बैलेंस कैसे बनाएं उस हवाले से एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो डेटाबेस मैंने बनाए हैं, इसमें ये जो कस्टमर हैं उनका डिटेल है, और ये कस्टमर के आईडीज़ हैं, ठीक है। यहाँ इनके अगेंस्ट में ये इनको अलाटेड हो गई है। तो अब ये इसी टेबल के अंदर, ये रिपीटेड नहीं है, लेकिन जब हम सेल्स टेबल्स के अंदर जाते हैं इसी के अंदर, तो सेम वो जो कस्टमर्स हैं, ये है कस्टमर आईडीज़। तो यहाँ ये रिपीटेड है, ये इसलिए है कि दोस्तों यहाँ पे एक कस्टमर है, इसको दो दफ़ा भी कोई चीज़ हमने सेल किया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल देते हैं, ये 40 54, और ये 54 यहाँ पर भी है। तो ये यहाँ पे भी इसने कोई चीज़ परचेज़ किया है, फिर आके यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब हम इस इन इनके अगेंस्ट में रनिंग बैलेंस हम कैसे क्रिएट करें, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक क्वेरी बनाना पड़ेगा। यहाँ हम क्वेरी डिज़ाइन में जाते हैं, यहाँ से जाके हम सेल्स का जो टेबल है इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कस्टमर का जो आईडी है वो मैं लेता हूँ, फिर डेट, डेट को लेते हैं, फिर कस्टमर का नेम हम लेते हैं, उससे आगे आके हम अमाउंट लेते हैं। आप कोई भी चीज़ सारे भी ले सकते हैं, लेकिन ये रनिंग बैलेंस हम कैसे क्रिएट करें उस हवाले से हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप ये कस्टमर आईडी के साथ हम लिखते हैं एम्प अलियास, ठीक है। कस्टमर आईडी का जो फील्ड है उसका नाम हम रिप्लेस करते हैं। अब इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पे इस कस्म का ही आएगा, ठीक है, एम्प अलियास। अब हम इसको दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, आप कस्टमर आईडी भी आप ला सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई रिपोर्टिंग बनाना है तो इसको आप उस रिपोर्ट में इसको हाइड करें, इसको न लाएं, और इसको आप ला सकते हैं। जिस तरह मैं इसको यहाँ पे, आप इसको हम रन करते हैं, अब आप देख सकते हैं कि एम्प अलियास आ गया और कस्टमर आईडी भी इधर आ गया। अब हम इसकी दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, और यहाँ पे हम इसमें कोड बिल्ड करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं रनिंग बैलेंस, ठीक है, रनिंग बैलेंस इक्वल टू डी सम। अब हम यहाँ पे कौन सा उसको हमने अमाउंट को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो है अमाउंट। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला है अमाउंट। अब हम यहाँ अमाउंट लिखेंगे, डबल कोट के दरमियान हम अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कामा, कामे के बाद ये अमाउंट कहाँ पर है, ये है सेल टेबल के अंदर, ये कहाँ पर है सेल्स, ये सेल्स टेबल के अंदर पर है। जहाँ पे अब क्रिटेरिया हम लिखेंगे, फिर डबल कोड उसके अंदर हम लिखेंगे कि
कस्टमर आईडी ग्रेटर देन या इक्वल, ठीक है। करने के बाद उसके बाद हम स्पेस देंगे, फिर एंड अब हम क्या लिखेंगे, जो फील्ड हमने क्रिएट किया था वो क्या है, एम्प, सॉरी इसको यहाँ पे आना चाहिए, इसके दरमियान इसको आना चाहिए, इसमें हम एम्प इसको एंड करके हम इसको एम्प करते हैं, सॉरी एंड यहाँ पे हमने इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे हमें ई एम पी लिखना है, ए लिखना है, ई एम पी एम अलियास लिखना है। अब यहाँ हम दोबारा आते हैं, इसको हम जूम करके इसमें लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे रनिंग बैलेंस, ठीक है, रनिंग बैलेंस, रनिंग बैलेंस डी सम, ठीक है, डी सम ब्रैकेट, उसके बाद डबल कॉमा, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अमाउंट, फिर कॉमा, ये कहाँ पर है, अमाउंट सेल टेबल के अंदर है, सेल्स, फिर इसका आईडी क्या, इसके आईडी में एक सेल्स आईडी है, लेकिन हम सेल्स आईडी नहीं लेना चाहते हैं, हम कस्टमर का आईडी लेना चाहते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कस्टमर आईडी, ये क्या हो, ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन या इक्वल क्या हो, एंड 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 क्या हो, एम अलियास, ठीक है, फिर एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, डबल कोड, उसके बाद हम इसको करते हैं क्लोज, अब इसको हम ओके करते हैं, अब इस क्वेरी का हम नाम रखते हैं, इसका नाम रखते हैं सेल्स रनिंग बैलेंस, ठीक है, अब इसको ओके, अब इसको हम रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये सारा कुछ आ गया है, लेकिन यहाँ आगे ये उसी हिसाब से कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो अब इसका बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ पे कुछ जो आईडीज हैं कस्टमर आईडी के अंदर वो रिपीटेडली हैं, तो इसके लिए हम क्या करें, इसको डिज़ाइन व्यू में हम जाते हैं, जाने के बाद यहाँ से टोटल का जो यहाँ पे ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करते हैं, अब ये सारे ग्रुप्स में आ गए, अब यहाँ अमाउंट को हम सम में लाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो रनिंग बैलेंस है इसको हम एक्सप्रेशन इसको करते हैं, अब इसको हम सेव करते हैं, ठीक है, अब इसको हम दोबारा से रन करते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हम इधर डेट को हम हटाते हैं, डिज़ाइन में जाते हैं, हम यहाँ पे इसी को भी हटाते हैं और डेट को भी हम हटाते हैं, अब इसको हम रन करते हैं,
अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो रिपीटली नहीं आते थे तो उनकी वजह से यहाँ पे ये कैलकुलेशन में इशू हो रहा था। तो अब यहाँ पे कस्टमर नेम है, ठीक है, सम ऑफ अमाउंट, ठीक है, ये सम हो गया। अब इसके अगेंस्ट में आप देख सकते हैं ये 400 है, फिर ये 600 है, ठीक है, ये 900 है। एक तो तरीक़ेकार ये है। अब हम इसको किसी दूसरे तरीके से, अब आईडी कस्टमर आईडी की जगह हम इसमें सेल्स आईडी लेना चाहते हैं, तो ये अब पे कैसा होगा ये हम देखते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको क्लोज करते हैं। अब इसी का हम कॉपी लेते हैं, ये है, इसको अब यहाँ से हम ओपन करते हैं, ठीक है। दोस्तों हम यहाँ पे कस्टमर आईडी की जगह अभी हम क्या करते हैं, सेल्स आईडी को लेते हैं, ठीक है। अब सेल्स आईडी ये वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे कस्टमर हैं तो यहाँ पे सेल्स आईडी के अगेंस्ट में जो कस्टमर होगा वो रिपीटली होगा। जो पहला जो फॉर्म था उसमें हमने ये बनाया कि यहाँ पे रनिंग बैलेंस कस्टमर के अगेंस्ट में आ गया, और कस्टमर ने ओवरऑल जो डेट्स थे, जितने महीने थे, उसके अंदर कितने टाइम उसने वो किया, उन सब को समराइज करके हमने एक रनिंग बैलेंस बना दिया। अब हम ये करते हैं कि डेट वाइज बनाते हैं। डेट वाइज बनाने के लिए अब ये दूसरा कॉपी वाला मैंने ओपन किया है, यहाँ पे सेल्स का आईडी हमने लिया। अब इसमें हम ये करते हैं कि यहाँ कस्टमर का नाम भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डेट को भी लाते हैं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, डेट का नाम भी लाते हैं। अब ये यहाँ पे हम सारी चीज़ें लाते हैं, कस्टमर आईडी भी लाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कस्टमर नेम है, प्रोविंस है, सिटी है, ये सारे आप ला सकते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट का भी है। तो यहाँ पे जो सेल्स आईडी है इसमें हम लिखते हैं, इसमें हम क्या लिखते हैं, एम अलियास, एम अलियास, एम अलियास हमने लिखा। अब इसको हम रन करते हैं, सॉरी, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पे हम ये लिखते हैं रनिंग बैलेंस डी सम अमाउंट सेल्स। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कस्टमर आईडी की जगह सेल्स आईडी लिखते हैं, सेल्स आईडी, ठीक है। और आगे हम इसी को ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको हमने क्लोज किया। अब इसको यहाँ से हम सॉरी, इसको सेव करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब इसको रन करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो आईडी है ये सीक्वेंस में है, डेट भी है। अब यहाँ पे 5000 है। अब इससे नीचे आप देख सकते हैं सेकंड, उसमें 700 का इजाफा हुआ है तो ये 5700 है, ठीक है। फिर 300 ऐड हुआ है तो 6000 हुआ। तो ये डेट वाइज और सेल्स वाइज ये डी सम हो गया, ठीक है, रनिंग बैलेंस हो गया। पहले उसमें ये था कि कस्टमर बेस था। अब यहाँ पे कस्टमर आप जैसे देख सकते हैं जिस तरह ये 54 है। दोस्तों आप यहाँ पे नोटिस आप कर रहे हैं कि यहाँ पे डॉलर का ऑप्शन आ गया और इधर यहाँ पे डॉलर का ऑप्शन नहीं है। तो इसको लाने के लिए हम दोबारा इसमें जाते हैं, यहाँ से डिज़ाइन जूम। अब यहाँ हम करेंगे फॉर्मेट, और यहाँ पे हम कॉमा, कॉमा के बाद हम डॉलर को ऑप्शन देंगे, ठीक है। यहाँ से आगे
डबल ज़ीरो सिंगल ज़ीरो कॉमा ट्रिपल ज़ीरो फिर डॉट 20 का हम इजाफा करेंगे, इसको ओके करते हैं। अच्छा यहाँ पे इसको कॉमा के डबल कॉमा कॉमा के अंदर लाना है, ठीक है। अब इसको हम ओके करते हैं और रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो डॉलर का ऑप्शन था वो भी आ रहा है और ये भी 54 है। अब ये दोनों यहाँ पे अलग अलग उसमें आ गया।